Thanks for coming to our channel to watch this video. If you like this video and want to purchase the entire course, you can click the link in the description. If you're watching this on mobile, you can click the downward arrow here and it is going to show you the link where you can purchase the entire course relating to international taxation. Advance Pricing Agreement. Just like the name suggests, it is an agreement where the pricing of an international transaction is agreed in advance between which person or which party? Between the taxpayer and the tax authorities. Now, the taxpayer can include the company plus its associated enterprises. The tax authorities can include the Indian tax authorities and the foreign tax authorities. Let us first understand the concept of advance pricing agreement. What is advance pricing agreement? An APA or advance pricing agreement is an agreement between a taxpayer, applicant, and the CBDT, Central Board of Direct Taxes, which determines the arm's length price of future intercompany transactions. Matlab, agar ek koi taxpayer hai, ye ek application file kar sakta hai CBDT ke paas, ki I want to undertake certain future transactions. Maan lijiye, mujhe sale karni hai goods ki. Is transaction ka main kya price consider karu जो आप लोग को एक्सेप्टेबल हो, जिसके बाद जब मेरा असेसमेंट हो तब आप लोग इस प्राइस को दोबारा डिस्प्यूट नहीं करें और एनालाइज नहीं करें ट्रांसफर प्राइसिंग के पर्सपेक्टिव से. सो दिस इज एन अग्रीमेंट विच डिटरमिन्स द आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ द फ्यूचर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, वेदर इट शुड बी $10, वेदर इट शुड बी $6, और व्हाट शुड बी द प्राइस. यहाँ पे डिस्कशन प्राइस का है. और determines the manner in which the ALP is to be computed. Second चीज ये हो सकती है कि exact price identified नहीं है, लेकिन ये price किस तरह से arrive होगा, क्या transactional net margin method लगेगा, क्या cost plus लगेगा, right? वो methodology जो है, जो manner है, जिसमें ALP compute होगा, वो agree कर सकते हैं between the two parties. अब जनरली अगर आप ये देखें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में क्या होता है, मान लीजिए एक फॉरेन कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है जो उसकी 100% सब्सिडरी है. ये फॉरेन कंपनी जिस ज्यूरिसडिक्शन की टैक्स रेजिडेंट होगी, एक वहां पर भी टैक्स अथॉरिटी होगी. इंडिया में टैक्स अथॉरिटीज के लिए लेट्स से सीबीडीटी इज द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड. तो जब भी ये कंपनीज आपस में कोई ट्रांजैक्शन करती है तो असेसमेंट के टाइम पे ये एनालाइज करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि क्या ये ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पर है या नहीं है. अगर नहीं है तो वो एडजस्टमेंट करता है. एपीए का पर्पस क्या है कि ये दोनों पार्टी द टैक्स अथॉरिटी एंड द टैक्स पेयर आपस में अग्री कर ले कि भाई एक प्राइस है, अगर इस प्राइस पर ट्रांजैक्शन होगा तो बाद में हम कोई डिस्प्यूट नहीं करेंगे. या एक मेथड है जिसके अंडर आपको ट्रांजैक्शन जो है आप अगर करते हैं या आर्म्स लेंथ प्राइस उस मेथड की एप्लीकेशन से निकालते हैं, देन वी विल नॉट डिस्प्यूट योर प्राइस. इससे एडवांटेज क्या होगा? लिटिगेशन नहीं होगा. एक टैक्सपेयर को सर्टेनिटी हो जाएगी कि मुझे इतना ही टैक्स पे करना है या मुझे इस हिसाब से ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए अपना मेथड अप्लाई करना है, और उस सर्टेनिटी के रहते बिजनेस डिसीजन ईजी हो जाएगा. सो दैट इज वॉट द पर्पज ऑफ एन APA इज. APA can also be used for existing intercompany transaction under rollback provisions of APA. यहाँ पर हमने कहा कि ये future transactions के लिए होता है, लेकिन अगर कोई existing transaction है, मतलब अगर आप let's say financial year 16-17 का discussion कर रहे हैं, आपका कोई transaction है जो पिछले 4 सालों से है और यहाँ पर भी है इस साल में, आप इस transaction के लिए भी जो existing transaction है उसके लिए भी APA एंटर कर सकते हैं अंडर रोल बैक प्रोविजन. रोल बैक प्रोविजन का मतलब क्या है? इनका मतलब यह है कि अगर आप यहाँ पर कोई APA करते हैं किसी ट्रांजैक्शन के लिए या एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन के लिए,
सेम चीज आप पिछले सालों में भी लगा सकते हैं, यू कैन रोल इट बैकवर्ड्स, राइट? वी विल सी व्हाट इट कैन बी, हाउ इट कैन बी एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस और एडवांटेजेस ऑफ दिस. एपीए प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन सेक्शन 92 सीसी एंड सेक्शन 92 सीडी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड रूल 10F टू 10T ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 1962. तो जो ये प्रोविजन है ये इन सेक्शंस में और इन रूल्स में कवर्ड है. एप्लीकेशन ऑफ एपीए बाइंडिंग नेचर. वंस एपीए हैज बीन एंटर्ड इनटू विद रिस्पेक्ट टू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. एक बार ये आपने एप्लीकेशन की और आपका एपीए एंटर हो गया किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, द आर्म्स लेंथ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू दैट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन will be determined only in accordance with the APA for the period specified in the APA. अगर आपने मान लीजिए इन दोनों कंपनीज के बीच में सेल ऑफ गुड्स का कोई ट्रांजैक्शन था, इसके लिए आप APA के लिए गए और आपने APA एंटर कर लिया, then and let's say for example this APA is applicable for financial year 17-18 to 2020-21. Then the arm's length price with respect to that transaction, अगर यही transaction इन सालों में दोबारा होता है, will be determined only in accordance with the APA. इसको decide करने का किसके arm's length price क्या होगा, वो आप APA के accordingly ही decide करेंगे for the period specified in the APA. अब एक अलग चीज़ है कि अगर आप cancel कर देते हैं उस केस में क्या होगा, but अगर APA cancel नहीं होता है, then if it is still in force, then the price for the transaction which are covered under the APA for the period of the APA will be as per the APA. Iska binding nature ho jata hai. It is binding on the persons as in, agar maan lijiye APA ICO ne file kiya to ICO ke upar, kabhi kabhi ye bhi ho sakta hai ki ICO aur FCO mil ke koi APA file kar dein, then it will be applicable on both of them and IT authorities. Types of APA. APA are of three types. तीन तरह के APA होते हैं. Unilateral. Unilateral का मतलब क्या हुआ? Uni मतलब one. यानी जो applicant है वो और CBDT आपस में agree करते हैं. अगर मैं एक मिनट सेकेंड के लिए वापस जाऊँ तो एक APA के लिए चार parties, चार या चार से ज़्यादा भी हो सकते हैं, involved होती हैं. एक इंडियन टैक्स अथॉरिटीज, ओवरसीज टैक्स अथॉरिटीज, इंडियन कंपनी, फॉरेन AE. इसको हम फॉरेन AE भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज है. अगर नहीं होता तो ये ट्रांजैक्शन ही ट्रांसफर प्राइसिंग में कवर नहीं होता. तो जो यूनिलैटरल APA है वो एप्लीकेंट और CBDT के बीच में होता है. बायलैटरल APA जो है वो एप्लीकेंट यानी मेरे पुराने एग्जाम्पल में इंडियन कंपनी, फॉरेन AE यानी फॉरेन कंपनी, फॉरेन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड CBDT. फॉरेन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है? एक अथॉरिटी एक दूसरी कंट्री में, जैसे इंडिया में अभी CBDT की हम बात करें, फॉरेन कंट्रीज में भी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है विच कैन बी इवन देयर टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स अथॉरिटी और एन इंडिपेंडेंट पार्टी ऑल्सो विच हैज़ बीन ऑथराइज टू एंटर इन टू सच APAs. इसका पर्पज़ क्या होता है? देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन जो है जो इंटरनेशनल है उसमें टैक्स दो कंट्रीज में इन्वॉल्व होता है. मान लीजिए फॉरेन कंट्री में इन्वॉल्व है टैक्स और इंडिया में है. फॉरेन कंट्री में जो टैक्स रेगुलेट करती है वो फॉरेन टैक्स अथॉरिटीज करती है. जब तक ये अग्री नहीं करती तब तक क्या होगा, जो इन और मान लीजिए इंडियन काम है इंडियन कंपनी, अगर मान लीजिए इंडिया में इंडियन कंपनी और इंडियन टैक्स अथॉरिटीज ने कुछ अग्री किया, ये फॉरेन कंपनी ने भी मान लिया, लेकिन जब तक ये फॉरेन टैक्स अथॉरिटी भी इसके बारे में अग्रीमेंट नहीं करेगी तब तक क्या होगा, हो सकता है कल यहाँ पे इंडिया में तो कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, इन्होंने डिस्प्यूट खड़ा कर दिया कि हम ये प्राइस नहीं अग्री करेंगे. उस चीज़ से बचने के लिए बायलैटरल APA होता है जहाँ इवन दिस फॉरेन टैक्स अथॉरिटी बिकम्स अ पार्टी टू द APA सो दैट इवन दे अग्री टू द कंक्लूजन ऑफ द APA. मल्टीलैटरल APA क्या होता है? इसमें एप्लीकेंट है इंडियन कंपनी, टू और मोर फॉरेन AEs,
हो सकता है एफ को प्लस एफ को वन, दो ए ही थी, दोनों उसमें इंक्लूडेड है, टू और मोर फॉरेन अथॉरिटी प्लस सीबीडीटी। तो यहाँ ए ही एक से ज़्यादा है, उन ए ईज की अलग अलग कंट्री है, तो इसलिए हो सकता है दो या दो से ज़्यादा फॉरेन अथॉरिटीज़ हों और सीबीडीटी। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर कंटेंड इन ईच टाइप ऑफ एपीए। यूनिलैटरल एपीए इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द असेसी एंड सीबीडीटी। इस इंडियन कंपनी ने एक एप्लीकेशन डाली सीबीडीटी को फॉर दिस अग्रीमेंट और दोनों ने आपस में अग्री कर लिया। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रीटी पार्टनर, मतलब इसमें कोई भी फॉरेन ट्रीटी पार्टनर जैसे यूएस है उसकी टैक्स अथॉरिटीज कवर्ड नहीं होती। इट डज नॉट गारंटी दैट द आर्म्स लेंथ प्राइस और ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड डिटर्मिंड अंडर द एपीए शैल बी एक्सेप्टेड बाय द कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑफ द फॉरेन ए। क्योंकि ये अग्रीमेंट इन दोनों के बीच में है, इसलिए इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि जो ये टैक्स अथॉरिटी है जो भी ये दोनों आपस में अग्री करते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेगी। अकॉर्डिंगली इट डज नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेट डबल टैक्सेशन रिस्क। इस वजह से क्या होता है, कभी कभी ये हो सकता है कि आपको यहाँ तो बेनिफिट मिल गया बट इन्होंने अग्री नहीं किया तो फिर भी कुछ डबल टैक्सेशन रह जाए, राइट। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड की, इंडियन कंपनी ने $110 चार्ज किया, इनका $110 का एक्सपेंस आ गया। इंडियन टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि ये 110 नहीं 120 होना चाहिए। इन दोनों ने आपस में अग्री करके मान लिया कि ठीक है 120 होना चाहिए, लेकिन जो फॉरेन अथॉरिटी थी उसने कहा नहीं ये 120 नहीं 110 ही होगा। तो यहाँ तो इनकम 120 की हो गई और उस पर टैक्स लग गया, यहाँ डिडक्शन सिर्फ 110 की मिली। तो एक तरह से डबल टैक्सेशन हो गया कि यहाँ पर आपने ज़्यादा इनकम पर टैक्स दिया और क्योंकि यहाँ पे खर्चे की भी ज़रूरत नहीं मिली तो यहाँ पे भी डिडक्शन कम हो गई। इस चीज़ से निकलने के लिए देर इज़ अ बायलैटरल एपीए। अब ये क्या है, बायलैटरल एपीए इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द एप्लीकेंट फॉरेन ए फॉरेन अथॉरिटी एंड सीबीडीटी। अब इस केस में बिकॉज चारों के चारों इन्वॉल्व हो गए हैं तो जो भी अग्रीमेंट होगा फाइनल ये इवन दिस टैक्स अथॉरिटी विल एक्सेप्ट। इन अ बायलैटरल एपीए एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन विद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आईको एक एप्लीकेशन फाइल करेगी सीबीडीटी के पास एंड साइमल्टेनियसली द एप्लीकेंट और इट्स ए, मतलब या तो इंडियन कंपनी खुद या फॉरेन कंपनी जो उसकी ए है, शुड ऑल्सो अप्लाई टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द अदर कंट्री। ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे दूसरी कंट्री की टैक्स अथॉरिटी के पास। द टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू रीच एन अग्रीमेंट थ्रू म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर विच हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द एप्लीकेंट बिफोर बायलैटरल एपीए कैन बी एंटर्ड इनटू। अब म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर एक अलग से प्रोसीजर होता है जिसमें ये दो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज आपस में डिस्कस करती हैं कि हम डबल टैक्सेशन एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में हम इस प्रेजेंटेशन के सेकेंड पार्ट में देखेंगे, राइट। बट व्हाट हैपन्स हियर इज दो एप्लीकेशन फाइल होती हैं, उसके बाद ये दोनों अथॉरिटीज आपस में डिस्कस करती हैं, अग्री करती हैं कि टैक्सेशन कैसे होगा, वो इनको कम्युनिकेट करते हैं। जब ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वो मेथड विच हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द एप्लीकेंट, उसके बाद बायलैटरल एपीए एंटर होता है। मल्टीलैटरल एपीए। अब मल्टीलैटरल एपीए में क्या होता है, अभी तक हमने कहा था इंडियन कंपनी सीबीडीटी के पास अप्लाई करिए, फॉरेन कंपनी ओवरसीज कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के पास फाइल कर रही है। लेट्स से दिस इज ओसीए वन। अब सपोज एक और एई है जो यूएस में नहीं, ये लेट्स से यूके में है। अगर एक एपीए एंटर होता है जिसमें एक से ज़्यादा एई इन्वॉल्व है और ये अपनी रेस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को एप्लीकेशन फाइल करती हैं जहाँ ये सब आपस में अग्री करके एक प्राइस डिसाइड करते हैं,
दैट इज नोन एज मल्टी लैटरल एपीआई. इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेंट, टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, वन टू, टू और मोर फॉरेन टैक्स अथॉरिटीज, वन टू, एंड सीबीडीटी. इन मल्टीलैटरल एपीए, एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड साइमल्टेनियसली द एप्लीकेंट और इट्स ए शुड ऑल्सो अप्लाई टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑफ द अदर कंट्रीज. दिस इज क्लियर. सीबीडीटी हैज टू रीच एन अरेंजमेंट थ्रू मैप विद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ मोर देन वन कंट्री. मैप हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द एप्लीकेंट बिफोर मल्टीलैटरल एपीए कैन बी एंटर्ड इनटू. सीबीडीटी इन दोनों के साथ डिस्कशन करेगी थ्रू मैप, अग्री करेगी कि इसकी प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए. जब वो मैप एक्सेप्ट कर लेंगे कौन, एप्लीकेंट, उसके बाद एक मल्टीलैटरल एपीए एंटर इनटू हो सकता है. अगर ये लोग वो एक्सेप्ट नहीं करते देन मल्टीलैटरल एपीए कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू. रिक्वायरमेंट टू रिक्वेस्ट फॉर बायलैटरल और मल्टीलैटरल एपीए. सो यूनिलैटरल एपीए यहाँ पर नहीं है. अगर आप बायलैटरल या मल्टीलैटरल एपीए की रिक्वेस्ट करते हैं, सो रिक्वेस्ट फॉर बायलैटरल और मल्टीलैटरल एपीए कैन बी एक्सेप्टेड बाय द इंडियन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी जो इंडियन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो बायलैटरल या मल्टीलैटरल एपीए की रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट करेगी. इंडिया हैज़ अ टैक्स ट्रीटी दैट इज DTAA विद द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, and such treaty has an article on mutual agreement procedure. Suppose India और US की हम बात करते हैं, इन दोनों की tax treaty है. अगर हम India और Cayman Island की बात करते हैं, इन दोनों की tax treaty नहीं है. इसका मतलब क्या है कि अगर आप bilateral APA की request करते हैं वो US के case में तो accept हो जाएगी, Cayman Island के case में accept नहीं होगी. सेकेंड, उस ट्रीटी में म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर का आर्टिकल होना चाहिए. ये एक स्पेसिफिक आर्टिकल है जिसमें प्रोविजंस दिए होते हैं कि कैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो है इंडिया की और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ओवरसीज कंट्री की आपस में डिस्कशन करेंगी या नेगोशिएट करेंगी कुछ डिस्प्यूट्स सेटल करने के लिए. इंडिया यूएस ट्रीटी में वो क्लॉज है इसलिए वहाँ पर ये एप्लीकेबल हो जाएगा. बट अगर किसी कंट्री के ट्रीटी में मैप का क्लॉज नहीं है तब वहाँ पर एपीए एप्लीकेबल नहीं हो सकता. कॉरस्पॉन्डिंग एपीए प्रोग्राम इज ऑल्सो देयर इन दी अदर कंट्री. ये रिक्वायरमेंट काफ़ी कॉमन है. अगर आप सोचें कि इसका रीज़न क्या है, रीज़न बहुत ही सिंपल है. मल्टीलैटरल और बायलैटरल एपीए में आपको इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ का एक्सेप्टेंस भी चाहिए होता है. अब वो तभी मिलेगा अगर इनकी कंट्रीज़ में एपीए का प्रोग्राम होगा. अगर एपीए है ही नहीं तो ये प्रोविजन होगा ही नहीं. अगर ये नहीं है देन बायलैटरल या मल्टीलैटरल एपीए नहीं हो सकता. सो व्हाट आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द एपीए प्रोग्राम. द एपीए प्रोग्राम इज डिजाइंड टू प्रोवाइड फॉलोइंग एडवांटेजेस. सर्टेनिटी ओवर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ कवर्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. जो भी आपके रेलेवेंट ट्रांजैक्शन है इंटरनेशनल जो कवर्ड है इसमें, उनकी टैक्स के ऊपर आपको सर्टेनिटी मिल जाती है कि कैसे कैलकुलेट होगा. फ्लेक्सिबिलिटी इन डेवलपिंग प्रैक्टिकल अप्रोचेस फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यूज. जब दो अथॉरिटी आपस में बैठते हैं तब वो ये देखते हैं कि भाई इस मेथड को हम लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे, या इसमें क्या एडजस्टमेंट की ज़रूरत है. इन दोज केसेस दे कैन अप्लाई वेरियस प्रैक्टिकल अप्रोच टू सी वॉट शुड बी द राइट प्राइस एट विच द ट्रांजेक्शन शुड बी डन. Reduce risk of potential double taxation via bilateral or multilateral APA. Double taxation का risk क्यों कम हो जाता है, क्योंकि दोनों competent authorities आपस में agree कर लेती हैं उस price के लिए. एक बार उन्होंने agree कर लिया तो obviously double taxation जो है वो नहीं होगा. Reduce compliance cost. आपको हर साल पूरी detailed transfer pricing study बनाने की ज़रूरत नहीं है. आपका assessment नहीं होगा, या होगा तो वो बहुत limited scrutiny होती है. All this help in eliminating the risk of transfer pricing audit and resolving time-consuming litigation. Reduce the burden of record keeping as required documentation of APA are known in advance. आपको पता होगा कि आपको documentation क्या maintain करनी है APA के लिए, तो
आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन का बर्डन है वो कम हो जाएगा। पर्पस ऑफ APA सेक्शन 92 सब डबल सी द APA शैल बी एंटर्ड इनटू फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस और स्पेसिफाइंग द मैनर दैट इज द मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग आर्म्स लेंथ प्राइस इन विच द आर्म्स लेंथ प्राइस शैल बी डिटर्मिंड इन रिलेशन टू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। APA का पर्पस टू फोल्ड होता है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। पहला तो ये कि भाई या तो आप एग्जैक्ट प्राइस डिसाइड कर लीजिए जिस पे ट्रांजैक्शन होगा, या सेकेंड आप मेथड आइडेंटिफाई कर लीजिए कि भाई किस मेथड से इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में हम लोग प्राइस डिसाइड करेंगे। बट ये दोनों ही किसके रिस्पेक्ट में है, किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के ऊपर APA एप्लीकेबल नहीं होता। APA इज नॉट एप्लीकेबल फॉर SDTs। मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस इन APA सेक्शन 92 डबल सी द मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस इन एन APA मे इंक्लूड कप TNMM RPM एटसेट्रा एज डिफाइंड इन सेक्शन 92C सबसेक्शन 1 और एनी अदर मेथड विद नेसेसरी एडजस्टमेंट और वेरिएशंस एज मे बी डिसाइडेड इन द APA। जहाँ तक बात प्राइस डिसाइड करने की कि आर्म्स लेंथ प्राइस उस ट्रांजैक्शन का क्या होगा, वो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं सेक्शन 92C सबसेक्शन 1 में, या एनी अदर मेथड कैन बी यूज्ड। और यही नहीं, द पार्टीज कैन इवन अग्री कि कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट है जो नेसेसरी है ताकि ये वर्केबल हो जाए। किसके लिए? दोनों कंट्रीज की टैक्स अथॉरिटीज के लिए और दोनों असेसीज के लिए। In case an APA has been entered into in respect of an international transaction, the arm's length price of that transaction shall be determined in accordance with the APA. This we have already discussed कि अगर APA में price discuss हो गया तब आप APA का ही price उसमें consider करेंगे for the period for which the APA is in force. The provision of section 92C or section 92CA which are normally applicable for determination of ALP shall not be applicable in this case. एक बार APA में decide हो गया कि price क्या है या method क्या है, then whatever is specified in this section will not be applicable. APA will basically overrule them. Let's look at an example. ICO, Indian company which avails consulting services from its foreign AE, has entered into an APA with CBDT and ALP under APA was determined at 10 lakh under APA. Indian company ने कुछ services ली अपनी AE से, इसको जो amount pay करना था उसका ALP इन लोगों ने 10 lakh agree किया APA में। Whether assessing officer can challenge such arm's length price and make reference to TPO to determine ALP of such transaction? जैसा मैंने आपसे कहा, अगर एक बार APA एंटर हो गया देन देर इज़ नो ऑप्शन अवेलेबल टू द AO टू डिसरिगार्ड द APA एंड रेफर द मैटर टू TPO। वेदर असेसिंग ऑफिसर कैन चैलेंज आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमिन अंडर APA ऑन द ग्राउंड दैट अरिथमेटिक मीन मेथड अंडर सेक्शन 92C इज नॉट यूज वेयर मोर देन वन प्राइस इज अवेलेबल। अगेन सेकेंड थिंग इज कि अगर एक बार APA डिसाइड हो गया तो जो मेथड वहाँ प्रिस्क्राइब्ड है वो ही एप्लीकेबल होगा। अगर AO कहता है कि कोई दूसरा मेथड लगाओ, दे कैन नॉट टेक दैट स्टैंड। देयरफॉर इवन दिस आर्ग्यूमेंट विल फेल। दस द AO कैन नॉट चैलेंज द आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमिन्ड अंडर APA ऑन द अफोरसेड ग्राउंड। वैलिडिटी कितनी होती है APA की? APA शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड देयर इन सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ मोर देन 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर। पीरियड ऑफ नॉट मोर देन होगा ये, मोर देन नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? APA 5 ईयर्स तक वैलिड होता है या फिर जो भी उसमें पीरियड दिया हुआ है। अगर दोनों ने अग्री किया, लेट्स से 2016-17 इज द फर्स्ट ईयर, जो मैक्सिमम है ये यहाँ से जा सकते हैं, ये जा सकते हैं 17-18
राइट, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 2020, 21, 5 साल, ये मैक्सिमम 5 साल तक वैलिड हो सकता है। लेकिन अगर एपीए में मेंशनड है कि इसके जो प्रोविजन है ये सिर्फ 3 ईयर्स के लिए अप्लाई होंगे, देन इट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज 3 ईयर्स। बाइंडिंग नेचर ऑफ द एपीए, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, एपीए बाइंडिंग होता है, लेकिन किस किस पर? द एपीए शैल बी बाइंडिंग ऑन द पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू एन एपीए इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन द एपीए। अगर आइको ने एपीए एंटर किया है सीबीडीटी के साथ, तो वो एपीए जो है आइको के ऊपर बाइंडिंग होगा, इट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन सम अदर कंपनी, इवन दो द टू मे बी डूइंग सिमिलर ट्रांजैक्शन। द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर एंड द इनकम टैक्स अथॉरिटीज सबॉर्डिनेट टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट पर्सन एंड द सेट ट्रांजैक्शन। तो जो भी प्रिंसिपल कमिश्नर है या इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं जो इनसे जूनियर हैं, उनके ऊपर ये बाइंडिंग होगा। लेकिन किस केस में? सिर्फ आइको के लिए। ऐसा नहीं है कि आइको टू की असेसमेंट है, आइको टू जाके बोले कि भैया आपने आइको के लिए अग्री किया है, मुझे भी ये प्रोविजन दो। नहीं, बाइंडिंग फॉर द सेट पर्सन एंड द सेट ट्रांजैक्शन। अगर यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स कवर्ड है, तो आप सर्विसेज जो ले रहे हैं वो उसमें कवर नहीं कर सकते। द मैनर ऑफ डिटर्मिनिंग एएलपी अंडर एपीए इज नॉट बाइंडिंग ऑन एनी अदर पर्सन अदर देन द पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू एन एपीए हु आल्सो वांट्स टू एंटर इनटू सिमिलर ट्रांजैक्शन। मतलब मान लीजिए अगर फॉरेन कंपनी ने आइको को सेल किया, सेम गुड्स उसने आइको टू को भी सेल किया, अब आइको ने अगर एपीए कर लिया इस सेल के लिए, तो वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल, आइको एंटर्ड इनटू एन एपीए विद सीबीडीटी टू डिटरमिन द आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ सिल्क कॉटन टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। आइको वन वॉन्ट्स टू इम्पोर्ट सेम सिल्क कॉटन फ्रॉम इट्स फॉरेन कंपनी। आइको वन वॉन्ट्स टू अडॉप्ट द सेम मेथड एज डिटर्मिन अंडर एपीए ऑफ आइको विद सीबीडीटी। ये सेम एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पहले बताया था कि एंटर तो किया आइको ने सीबीडीटी के साथ, कौन अडॉप्ट करना चाहता है? आइको वन। क्वेश्चन क्या है? वेदर आइको वन कैन अडॉप्ट द मेथड स्पेसिफाइड अंडर द एपीए? नो, इट इज बाइंडिंग ओनली ऑन द पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू एपीए, और इवन फ्रॉम अ गवर्नमेंट साइड इट इज एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट पर्सन। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ आइको वन इज अ सब्सिडरी ऑफ आइको? टैक्स पर्पस के लिए जो होल्डिंग कंपनी है और जो सब्सिडरी कंपनी है, ये दोनों अलग अलग एंटिटीज होती हैं, राइट? यू कैन नॉट अप्लाई द बेनिफिट विच इज गिवन टू द होल्डिंग कंपनी विच से आइको टू द सब्सिडरी। देयरफॉर दिस एपीए विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन आइको वन। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एपीए इन केस ऑफ चेंज इन लॉ और फैक्ट्स। The APA shall not be binding on the applicant or income tax authorities if there is any change in law. मतलब अगर law change हो गया, पहले वाले law में मान लीजिए sale of goods जो है वो India में taxable नहीं था, अब taxable हो गया, right? इस लॉ के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके दोनों अथॉरिटीज़ ने एपीए एंटर किया था, बट अब लॉ ही चेंज हो गया। अगर लॉ चेंज होने की वजह से टैक्सेबिलिटी चेंज हो जाती है, देन एपीए इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन ईदर ऑफ द पार्टीज और एनी चेंज इन फैक्ट्स। मतलब पहले जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, आप वहाँ पर सिल्क कॉटन बेच रहे थे। इफ़ नाउ सपोज यू स्टार्ट सेलिंग इनसेड ऑफ सिल्क कॉटन, यू स्टार्ट सेलिंग पॉलिएस्टर, right, or some other product, then this will not be considered as binding on them, which have impact on such APA. Condition to declare APA as void ab initio. Ab initio मतलब क्या होता है? From beginning. अब कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए एक taxpayer ने APA enter किया
सीबीडीटी के साथ। बाद में पता चला जो फैक्ट्स उसने उस एपीए में रिप्रेजेंट किए थे वो गलत थे, दे वो सम मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट या कोई फ्रॉड है। उस केसेस में सीबीडीटी के पास पावर है कि वो ये डिक्लेयर कर दे कि जो ये अग्रीमेंट है हमारा ये वॉइड है, मतलब इफेक्टिव नहीं है, एब इनिशियो, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अगर ऐसा होता है तो इसका आउटकम ये रहता है कि वो अग्रीमेंट पहले दिन से वॉइड हो जाएगा। उस अग्रीमेंट को रिलाय करके अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने कोई स्टैंड लिया है, वो स्टैंड वो रिविजिट करके रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, और एसएससी ने अगर टैक्स पे किया है या नहीं किया है वो उसको रिफंड मिल सकता है। इफ़ द सीबीडीटी फाइंड दैट द एपीए हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय द पर्सन बाय वे ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, द सीबीडीटी मे डिक्लेयर सच एपीए टू बी वॉइड एब इनिशियो विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। जो ये एपीए वॉइड डिक्लेयर करेंगे इसके लिए उनको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। डिक्लेरेशन ऑफ एपीए एज वॉइड एब इनिशियो मीन्स दैट द एपीए वुड बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर फ्रॉम विच द एपीए वॉज अप्लाइड। हो सकता है ये जो वॉइड का प्रोसीजर है ये फर्स्ट ईयर में ना होके सेकेंड या थर्ड ईयर में हो, क्योंकि एपीए तो 5 साल तक हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एन एपीए एज वॉइड एब इनिशियो, अगर उसको वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। डिक्लेरेशन ऑफ एन एपीए एज वॉइड एब इनिशियो हैज़ द फॉलोइंग रेपरकशंस। आईटी एक्ट प्रोविजंस वुड बी एप्लीकेबल टू द एप्लीकेंट अज्यूमिंग द एपीए वॉज नेवर एंटर्ड। मतलब आप ये मान लीजिए कि ये कभी था ही नहीं, तो जो भी एप्लीकेंट को कंप्लायंस करनी थी वो आपको करनी थी अज्यूमिंग दिस वॉज नॉट देयर, विच मीन्स आपको नॉर्मल कंप्लायंसेस करनी थी। अगर आपने नहीं की हैं तो जो आपने की है एक्चुअल उनमें और जो ये एक्चुअल नॉर्मल है इनमें जो डिफरेंस है इसको रेक्टिफाई आपको करना पड़ेगा। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। आइको हैज़ एंटर्ड इनटू एन एपीए विद सीबीडीटी फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑन 31/12/2016 ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 16/17। Such APA was declared as void ab initio by CBDT during previous year 17/18. Enter किया था 16/17 में, void हुआ 17/18 में on September 30, 2017. Whether ICO can adopt the transfer pricing method declared in APA while computing its taxable income for AY 17/18. 17/18 कौन सा साल होगा? Previous year 16/17. जब ये APA void होता है तो इसका मतलब ये void होता है from the very first year when it was entered into. इस केस में even though it has been declared as void in the next financial year, इसका applicability पिछले साल से ही हो जाएगा। अगर एक बार पिछले साल से apply हो गया तो उस साल के लिए फिर आप APA का method नहीं apply कर सकते। When APA is declared as void ab initio, then all the provisions of the act shall apply to such person as if such APA had never been entered into. Thus such APA would be void from the beginning when such APA was entered into, that is previous year 16/17. Accordingly, ICO cannot adopt the transfer pricing method arrived at in the APA while computing its taxable income of AY 17/18. What are some of the other repercussions? The period beginning with the date of such APA and ending on the date of order declaring APA as void ab initio shall be excluded for the purpose of computation of period of limitation under the Act, with period of limitation specified under section 153, 153B, etc. अब मान लीजिए आपका APA, let's look at an example only to explain this.